लक्ष्मी कैसे कमा सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं? वो तो सचमुच ये पूछना चाहते हैं कि कैसे कैसे पैसे कैसे प्राप्त होते हैं, मेहनत से या अक्ल से? सब लोग सोचते हैं कि नहीं, ज्यादा मेहनत करेगा ज्यादा पैसे आता है, पर मजदूर लोग कितने मेहनत करते हैं फिर भी पैसे कम आते हैं। ज्यादा अक्ल वाले बोलो कितने अच्छे, इतने सीए रहते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत होशियार रहते हैं, मगर उसको जॉब प्रॉपर नहीं मिलता है, और उसको 5,000 का पगार मिलेगा, और सेठ लोग तो 50-50 हज़ार कमाते हैं। देखो तो ज़्यादा अक्ल है फिर भी कमाते नहीं इतने, तो और अपने घर में वो बड़ा मिल मालिक सेठ है, उसके घर पे बच्चा जन्म हो गया, सब लोग अरे छोटे सेठ, अरे उसने क्या मेहनत किया, क्या अक्ल लगा दी, फिर भी सेठ बोला जाता है। सेठ हाँ मालिक है, बड़े सेठ, ये छोटे सेठ मालिक है, तो उसने क्या किया, क्या मेहनत की, क्या अक्ल लगा दी, तो पैसे कहाँ से मिले उसको, इतनी फर्स्ट क्लास जाओ जलाली कैसे मिल गई? तो सचमुच क्या है, लक्ष्मी अक्ल से भी नहीं आती है, मेहनत से भी नहीं आती, वो पूर्व की पुण्य का फल है। पुण्य से लक्ष्मी का लक्ष्मी पाना हो सकता है, पुण्य का उदय होएगा तो कहाँ से भी लक्ष्मी आ जाएगी, और पाप का उदय होगा तो बहुत अच्छे होशियार आदमी के पास से भी गलत डिसीजन हो जाएगा और लक्ष्मी चले जाएगी।